हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ हेयर केयर के कुछ प्रोडक्ट्स जो काफ़ी बेनिफिट है जिनमें जिनको यूज़ करने में। और जैसे आजकल के ज़माने में, आजकल जैसे फैशन का टाइम है तो सभी अपने हेयर के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई हेयर में स्ट्रेटनिंग करवाते हैं परमानेंट, या फिर स्मूदिंग करवाते हैं, या फिर कलर करवाते हैं तरह तरह के फैशन कलर, या फिर हाइलाइटिंग करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर परेशान होते हैं कि डैमेज हेयर का अब हम क्या करें, क्योंकि कुछ टाइम तक तो सब अच्छा लगता है, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं हेयर में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हेयर डैमेज होना शुरू होते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम हेयर की केयर कैसे करें। तो सैलून में तो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, तो मैं आपके सबके सामने आज लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको यूज़ करने के बाद आप अपने हेयर की तरफ से टेंशन फ्री हो सकते हैं। डैमेज हेयर के लिए आपको फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हेयर आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है, केमिकल ट्रीटमेंट लिया है या कोई भी ट्रीटमेंट जिस लिया है उसके बाद आपके हेयर डैमेज हो गए हैं, या वैसे ही पोल्यूशन से या फिर तरह तरह के शैम्पू यूज़ करने से आपके हेयर डैमेज हो गए हैं, तो किसी भी टाइप के हेयर डैमेज के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो जिनको यूज़ करने के बाद आप थोड़े सेटिस्फाई हो पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ नेचुरली यूज़ किया है अपने हेयर में और आपको आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ये है लावीवो के शैम्पू, कंडीशनर, या आप इसको मास्क भी कह सकते हैं, और सीरम। तो सबसे पहले मैं शैम्पू के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि शैम्पू जो हम आजकल यूज़ करते हैं, सभी जो यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं वो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है। तो बहुत सारे शैम्पू, सभी शैम्पू में सल्फेट मिक्स होता है, जैसे कि जिससे कि काफ़ी झाग बन सके और हेयर अच्छे से क्लीन हो सकें। आजकल बहुत सारे सोप में भी सल्फेट यूज़ किया जाता है। तो सल्फेट बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हेयर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर किसी शैम्पू में सल्फेट है तो वो आपके हेयर को डैमेज करेगा और आपके हेयर की नमी को छीन लेगा, मॉइस्चर चला जाएगा पूरा, हेयर ड्राई हो जाएंगे, डैमेज दिखाई देंगे और ब्रेकेज होगा। और अगर किसी ने अपने हेयर में कलर करवाया हुआ है या फिर फैशन कलर या कोई भी हाईलाइटिंग करवा रखी है हेयर में, तो वो भी काफ़ी हाई केमिकल है, उसके यूज़ के कुछ टाइम के बाद भी हमारे हेयर काफ़ी डैमेज हो जाते हैं और हमारा कलर भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ करने के बाद जल्दी निकलने लग जाता है। बहुत सारे क्लाइंट की ये शिकायतें होती हैं कि हमने हाइलाइटिंग करवाई थी पर हमारे कलर बहुत जल्दी निकल गए, क्योंकि उन्होंने सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ किए, बहुत हार्ड शैम्पू यूज़ किए, और सैलून में अगर उनको नहीं बताया गया तो उन्होंने अपने काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने ट्रीटमेंट को भी खो दिया और अपने हेयर को भी खो दिया। तो ये जो शैम्पू है ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम लावीवो करके। इस शैम्पू में सल्फेट नहीं है, ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। तो ये शैम्पू जो है ये पोस्ट ट्रीटमेंट हाइड्रेटिंग शैम्पू है, जो केराटिन के बाद भी हम सजेस्ट करते हैं। किसी ने अपने हेयर में केराटिन करवा रखी है तो केराटिन को भी लॉन्ग टाइम तक बने रहने के लिए आप इस शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर में। हम अपने सैलून में केराटिन के बाद भी ये शैम्पू सजेस्ट करते हैं ताकि उनका केराटिन जल्दी से ना निकल जाए। और अगर हमने हेयर बोटॉक्स किया है किसी के हेयर में या फिर हमने किसी को हाइलाइटिंग की है, तब भी हम इस शैम्पू को रिकमेंड करते हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने के बाद उनको उनके ना तो हेयर डैमेज होंगे और काफ़ी हेयर उनके सॉफ्ट रहेंगे, सिल्की रहेंगे और मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर चला जाना ही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होती है, अगर हेयर से मॉइस्चर चला जाता है तो काफ़ी रूखे ड्राई हेयर नज़र आते हैं। तो ये सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो हमारे हेयर में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। और इसके साथ में है इसका मास्क, देख सकते हैं आप। तो ये भी हम सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को केराटिन के बाद, रिबॉन्डिंग के बाद, स्मूथ बाद, हेयर बोटॉक्स के बाद, केराटिन के बाद हम इसको यूज़ करने के लिए कहते हैं। और अगर किसी ने कोई भी ट्रीटमेंट हेयर में नहीं लिया हुआ है, उनके नेचुरल हेयर हैं, वर्जिन हेयर हैं और वो डैमेज हैं, तब भी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इसे यूज़ कीजिए।
और ये काफ़ी हद तक आपके हेयर को सॉफ्ट, सिल्की और मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और हेयर की ब्रेकेज की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देता है। और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैंने पर्सनली इन्हें यूज़ किया है और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने सलोन में यूज़ करती हूं और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूं। और इसके साथ में है इसका सीरम। तो सीरम बहुत लोगों को सीरम का यूज़ भी नहीं पता होता है कि सीरम को यूज़ कैसे करना है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ इसको मास्क के बीच में थोड़ा सा पोशन इसका मिक्स करके फिर इसको मास्क को अप्लाई किया जाए। सो, अब मैं आप सबको इसको यूज़ करने का इजी तरीका बता देती हूँ और सही तरीका बता देती हूँ। जैसे कि आपने शैम्पू देखा है, कोई भी शैम्पू को हेयर में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, थोड़े से पानी में इसको डाइल्यूट करना चाहिए और फिर इसको थोड़ा थोड़ा रूट्स में लगा के हल्के हल्के राउंड सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करनी चाहिए। और लेंथ में शैम्पू ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लेंथ में तो आ ही जाता है ऊपर से ड्रॉप होके, तो राउंड मूवमेंट में, सर्कुलर मूवमेंट में फिंगर से मसाज देते हुए हेयर में एक तरीके से मसाज भी मिल जाती है हेयर को, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और बहुत हार्ड हाथों से कभी भी शैम्पू नहीं करना चाहिए, सॉफ्टली राउंड करके इसे हेयर वॉश करना चाहिए और टॉवल ड्राई करके फिर हमें इसका मास्क का उतना पोशन जितना हमारे हेयर की ज़रूरत है उतना इसको बोल में निकाल करके और एक स्पून ये डाल के सीरम उसके बीच में मिक्स करके और फिर हम इसको लेंथ में, इसको रूट में नहीं लगाते हैं मास्क। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि शैम्पू को रूट में लगा करके अच्छे से मसाज करके फिर इसको रिंस आउट करना है, लेकिन मास्क को आपने रूट में नहीं लगाना है, मास्क को आपने सीरम के साथ मिक्स करके और फिर लेंथ में अप्लाई करना है और हाथों से हल्की सी इस तरह से मसाज देते हुए हेयर को और फिर पूरे हेयर में इसको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद फिर इस हेयर को टाई करके और शैम्पू कैप से इसको कवर कर देना है 5 to 10 minutes के लिए, जिससे मॉइस्चर अपने आप अंदर हीट कन्वर्ट हो और मॉइस्चर कन्वर्ट हो और ये पूरे हेयर में अपने आप अच्छे से जहाँ जहाँ नहीं भी लगा होता है वहाँ फैल जाता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अगर हम इसको हेयर में लगा के हेयर को कवर कर लेते हैं 10 मिनट के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर हमें बहुत अच्छी तरह से रनिंग वाटर में हेयर को वॉश कर लेना है, टॉवल ड्राई करना है, फिर कोई कॉम नहीं कुछ नहीं। एंड में जब हेयर हाफ ड्राई हो जाए, पानी टपकना बंद हो जाए, हल्के हल्के वेट रहें, तभी आपने 2 to 3 drops हाथ में सीरम लेके और पूरे हेयर में इसको लगा देना है। ये भी लाविव्यू का ही है, सेम ब्रांड है और ये तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे काफ़ी हद तक हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं और सल्फेट फ्री तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों में सल्फेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें एक नेचुरल ट्रीटमेंट मिलता है अपने हेयर के लिए, हम केमिकल से बचे रहते हैं क्योंकि शैम्पू तो हमारी डेली बेस की एक नीड है, अगर हम डेली बेस में सल्फेट लगाएंगे अपने हेयर में तो हेयर काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो ये है आपके लिए एक सल्फेट फ्री शैम्पू, मास्क और सीरम। अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या कहीं पर बता सकते हैं इसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता दूंगी, मैंने कहाँ से लिया है ये भी मैं आपको बता दूंगी। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँ क्योंकि मैंने सलोन में जिन्हें भी ये यूज़ किया है मेरे क्लाइंट बहुत खुश हुए हैं इसे यूज़ करने के बाद। तो अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी ये, और उम्मीद करती हूँ कि हेयर से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी आज सॉल्व हो गई होंगी। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं हेयर से रिलेटेड। और अगर आपको किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैंने कैसे इसको पाया है, कैसे प्राप्त किया है ये मैं आपको बता दूंगी। ऑनलाइन परचेज करना है आपको, तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नहीं अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें आपकी वीडियो नहीं अच्छी लगी, तो ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही व्लॉग में, तब तक के लिए मैं बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।